वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा वड़ा पाव है और ये इंडिया का काफ़ी बेस्ट फूड है। ये मुंबई का, महाराष्ट्र में काफ़ी चलता है ये, इसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं डेली का। और ये वड़ा पाव है और इसको जैसे बनाते हैं हम, मैं आपको बताऊंगा। और ये वड़ा है, वड़ा बनाने के लिए आलू लेंगे हम, उसे बॉईल करेंगे और इसमें मिर्चा, लहसुन, धनिया, गरम मसाला ऐड करना है और थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे। मैं आपको वड़ा बनाने की जो है वो सबसे इजी और बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुंबई का फूड है, महाराष्ट्र का, और काफ़ी चलता है ये डेली का, करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। और इसे बेसन में हमें भिगोना है, पूरा पूरा बैटर मतलब अच्छे से करना है, पूरा भिगो लेंगे हम, पूरा सा डुबोएंगे इसे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट इसे वड़े को जो है हमें उबालना है। काफ़ी आसान इजी रेसिपी है ये। जैसा कि मतलब जो हमारा आलू है उसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे, उबालेंगे, कच्चा ना रखें उसे, हमारी रेसिपी ताकि ख़राब ना हो, अच्छी बने, बैटर बने। और उसके बाद हमने इसमें जो है 15 से 20 मिनट इसे फ्राई करेंगे। आलू का ख्याल करें, कच्चा ना रखें, और इसे हम फ्राई कर लेंगे। काफ़ी अच्छी रेसिपी है इंडिया का, इंडिया नहीं बल्कि हमारी मुंबई का भी बेस्ट फूड है वड़ा पाव। काफ़ी चलता है ये, लाखों करोड़ों लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं इसे, काफ़ी लोग पसंद करते हैं वड़ा पाव को। और ये हमारी चटनी है, हरा धनिया लेंगे और मिर्चा लेंगे और नमक लेंगे और लहसुन इसमें मिलाएंगे और उसके बाद इसमें हम मिक्सर में जो है इसे पीस लेंगे। चटनी बनाना है हमें वड़ा पाव से खाने के लिए, मिक्सर में पीस लेंगे, 2 से 3 मिनट मिक्सर में पीस लेंगे और हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। काफ़ी आसान इजली रेसिपी है ये, बेटर है, अच्छी है, मैं तो खाता हूँ, आप भी बनाएं। ये जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपको बना के दिखाऊंगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने घर में चाहें तो बना सकते हैं, लॉकडाउन में वड़ा पाव का आनंद उठाएं। और ये हमारा वड़ा पाव है और ये वड़ा है, वड़ा हम इसे काट लेंगे बीच से, ये 4 भाग इसका कर लेंगे हम। और ये हमारा नरम पाव है, इसमें जैसे कि हमने चटनी लगा लेना है। काफ़ी इजीली रेसिपी है, बेटर है, एक्सपीरियंस है काफ़ी मुझे इसे बनाने का, मैं बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी बना के दिखाऊंगा। ये मुंबई का फूड है वड़ा पाव जो है। और जैसा कि हमने, ये हमारा नरम पाव था, ये बेकरी में मिलता है, इसमें हमें ऐड कर लेना है। काफ़ी बेस्ट फूड है ये हमारे इंडिया का, इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चलता है ये वड़ा पाव, काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र की काफ़ी नंबर वन रेसिपी है ये, लोग इसका डेली का इस्तेमाल करते हैं, 25 से 30 लाख इसकी रोज़ की सेलिंग है वड़ा पाव की। और ये जैसे कि मैंने आपको आज वड़ा पाव बना के जो दिखाया, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, रेसिपी तो मैंने आपको बना के नहीं दिखाई, लेकिन मैंने जो बताया आपको, आप इस तरह भी बना सकते हैं रेसिपी अपने घर में। और मैं बहुत जल्द एक रेसिपी लेके आऊँगा वड़ा पाव की, काफ़ी इजी आसान रेसिपी है ये, आप अपने घर में बनाएं, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।